सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, यह चित्र है कलाम जी का, डॉक्टर अब्दुल कलाम जी का। बच्चों, ये हमारे भारत के 11वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। बच्चों, इन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों, आज हम इनके बारे में जानते हैं। बच्चों, आज हम नई संजीवनी से पाठ 12 डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में जानेंगे। 25 जुलाई 2002 को डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत को विकसित देशों की अग्रिम पंक्ति में पहुंचाने का संकल्प लेकर इस पद पर विराजमान हुए थे। उन्होंने देश से भूख और गरीबी को समूल नाश करने और भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का सपना देशवासियों के सामने रखा। बच्चों, इनके मन में भारत के लिए 3 सपने थे। इनका पहला सपना था भारत की आज़ादी का। उनका मानना था कि हमें आज़ादी को बचाना है और आगे ले जाना है। यदि हम आज़ाद नहीं रहेंगे तो कोई भी हमें सम्मान नहीं देगा। भारत के लिए उनका दूसरा सपना था विकास का। पिछले 50 सालों से हम विकासशील देश के नागरिक रहे हैं। अब समय आ गया है कि हमें एक विकसित राष्ट्र के नागरिक के रूप में उभरे। और इनका तीसरा सपना था भारत दुनिया के सामने तनकर खड़ा हो। सिर्फ ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। हमें ताकतवर बनना है, ना केवल सैन्य शक्ति के तौर पर बल्कि एक आर्थिक शक्ति के तौर पर भी। दोनों बातें साथ साथ चलनी चाहिए। बच्चों, कलाम जी ने कहा था, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं। और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। बच्चों, अब हम इनके जन्म और शिक्षा के बारे में जानते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम तटीय क्षेत्र धनुषकोटी रामेश्वरम में हुआ था। उन दिनों भारत की आज़ादी की लड़ाई जोर शोर से चल रही थी। सूचना पाने और देने के लिए उन दिनों अखबार बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे। अखबारों से रोटी रोजी कमाने वाले उन दिनों एक व्यक्ति थे, उनके पिता। उनके घर में पीढ़ियों से मछली पकड़कर रोटी रोजी का काम होता था। अचानक अपना पैतृक काम छोड़कर अब्दीन साहब अखबार बेचने लगे। इन्हीं के घर अब्दुल कलाम का जन्म हुआ। कलाम साहब का परिवार रामेश्वरम के प्रसिद्ध शिव मंदिर से काफ़ी नज़दीकी से जुड़ा था। कहा जाता है कि एक बार मंदिर परिसर में स्थित एक गहरे जलाशय में प्रसिद्ध शिव मूर्ति गिर गई। तब कलाम परिवार के ही एक व्यक्ति ने डुबकी लगाकर मूर्ति को बाहर निकाला। अब हम इनकी शिक्षा के बारे में जानते हैं। इनका बचपन आर्थिक संकटों से जूझते बीता। इनकी पूरी शिक्षा तमिलनाडु में ही हुई। वे उच्च शिक्षा के लिए कभी विदेश नहीं गए। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि भी प्राप्त की। डॉक्टर कलाम ने विदेश जाकर धन कमाने की अपेक्षा भारत में रहकर देश सेवा करने के लिए निश्चय किया। वे 1960 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से जुड़ गए। उनकी नियुक्ति हैदराबाद केंद्र पर हुई। उन्होंने अपने लंबे सेवाकाल में अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। कलाम जी कहते थे, मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। तो बच्चों, अब हम इनकी उपलब्धियों के बारे में जानते हैं। 1998 में पोखरण में किए गए परमाणु प्रशिक्षण उन्हीं के नेतृत्व में किए गए। इससे पहले उनके नेतृत्व में ही अग्नि मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया गया। मिसाइल के क्षेत्र में
उनकी प्रतिभा का लोहा सारा संसार मानता है। डॉक्टर कलाम कई दृष्टि से अनोखे थे। डॉक्टर राधाकृष्णन के बाद वे देश के ऐसे दूसरे राष्ट्रपति थे जिनका किसी भी राजनीतिक दल से लेना देना नहीं था। इसी तरह 1954 में डॉक्टर चंद्रशेखर रमन और 1961 में डॉक्टर विधान चंद्र राय के बाद डॉक्टर कलाम तीसरे ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्हें भारत रत्न जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। शून्य से शिखर तक पहुंचने के बाद भी डॉक्टर कलाम को अहंकार जैसी कोई चीज़ छू नहीं सकती थी। प्रधानमंत्री के वरिष्ठ वैज्ञानिक सलाहकार के पद पर कार्य करते हुए भी वे कर रहे थे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वे एक संवेदनशील रचनाकार थे। वे रोज़ डायरी लिखते थे। उनकी डायरी में मित्रों की संक्षिप्त टिप्पणियां होती थी। डॉक्टर कलाम के मित्र बताते हैं कि वे डायरी नियमित रूप से लिखते थे। डॉक्टर कलाम कविताएं भी लिखते थे और लघु कथाएं भी। उनके दोस्तों को उनकी तमिल कविताएं याद हैं। उन्हें वीणा बजाना भी प्रिय था। छात्र छात्राओं के बीच जाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। डॉक्टर कलाम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति थे। उनका कहना था, हमारा देश एक अरब से अधिक लोगों का देश है, इसलिए हमें व्यापक दृष्टि से सोचना चाहिए। हमारा निडर दृष्टिकोण होना चाहिए क्योंकि ताकत से ही इज्जत मिलती है। हमारे युवकों को सपने देखने ही चाहिए, सपनों को विचारों में बदलना चाहिए और विचारों को कार्यवाही के जरिए हकीकत में बदलना चाहिए। मुझे भारतीय होने पर गर्व है। यह एक महान देश है। मैं हमेशा इसकी सेवा करता रहूँगा। और जब कोई लोग पूछता था कि आपने शादी नहीं की, तो वह कहते थे, जनाब हमारी शादी तो विज्ञान से ही हो चुकी है। भारत को अपने इस महान राष्ट्रपति पर गर्व है। तो बच्चों, अब हम जानते हैं 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर एक व्याख्यान दे रहे थे। तभी उन्हें ज़ोरदार दिल का दौरा पड़ा और वे बेहोश हो गए। लगभग 6:30 बजे इन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां 2 घंटे के बाद इनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी गई। तो बच्चों, ऐसे थे हमारे कलाम साहब। और कहते थे, सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। तो बच्चों, अब आप इस पाठ को अपनी पुस्तक में से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे और अपने सपनों को भी इसी तरह से पूरा करेंगे। धन्यवाद।